बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अक्सर ख़वातीन हुसन व सेहत को कायम रखने के लिए विटामिन्स की गोलियों का इस्तेमाल करती हैं या फिर रंग निखारने के लिए महंगे और जदीद मेकअप का सहारा लेती हैं। ऐसी ख़वातीन एक अहम हकीकत को फरामोश कर जाती हैं, वो है मतवाजन ग़िज़ा का सही इस्तेमाल। कई ग़िज़ाएँ जो हमें मरगूब होती हैं दरअसल वही सेहत की खराबी और हुसन के जवाल का सबब होती हैं, जबकि बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी भी होती हैं जो हुसन को दवाम और सेहत को ताजगी बख्शने का सबब बनती हैं। चाय, काफ़ी और तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। इसी तरह घी, मक्खन, रोगनी ग़िज़ाएँ भी कम कम खानी चाहिए। शक्कर, मिठाइयाँ और पेस्ट्री वगैरह का इस्तेमाल करें। जो लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं उनके चेहरे शगुफ्ता होते हैं और वो चाक व चौबंद नज़र आते हैं। जो लोग फल सब्जियाँ ज़्यादा खाने के आदि होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त खुली हवा में गुजारते हैं, वर्जिश करना उनके रूटीन में शामिल होता है, गुस्ल की आदत होती है, दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी सेहत और मतवाजन जिस्म के हामिल होते हैं। ग़िज़ा में सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, ख़ास तौर पर टमाटर और पालक जो कि जिगर के लिए मुफीद है। इससे रंग व रूप में निखार और शगुफ्तगी आती है। फल यूं तो सब मुफीद हैं मगर लीमू और संतरा रंग व रूप के लिए बेहतर बताया जाता है। रंग गोरा करने का अच्छा और सस्ता नुस्खा ये है कि गाजर का रस निकाल कर इसको किसी ठंडी जगह या फ्रिज में रख दिया जाए और रुई की मदद से चेहरे पर रोज़ाना दिन में 3 या 4 मरतबा लगाएं। इससे रंग गोरा होता है। अक्सर लड़कियां इस बात पर परेशान रहती हैं कि इनकी पलकें लंबी और घनी क्यों नहीं हैं। इसका हल भी आसान है। जैतून का तेल और शहद मुनासिब मकदार में मिलाकर पलकों का रोज़ाना मसाज करने से पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। बाज़ औकात चेहरे की जल्द मुरझाई सी दिखाई देती है। इसकी वजह यह है कि चेहरे की सफाई की तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इसका एक हल ये है कि 2 चम्मच आटा और 1/2 चम्मच हल्दी लेकर इसको दूध में मिलाकर पेस्ट बना लिया जाए। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर चेहरे की जिल्द को अच्छी तरह से साफ करें। इससे जिल्द के मसाम खुल जाएंगे और चेहरे की जिल्द में तरोताजगी आएगी। चेहरे के दाग धब्बे भी खूबसूरती में रुकावट बन जाते हैं। इनसे निजात हासिल करने के लिए नीम गर्म दूध का चेहरे पर इस्तेमाल मुफीद है। नीम गरम दूध को रुई की मदद से चेहरे पर लगाया जाए। बाज़ ख़वातीन लिपस्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनके होंठों का रंग स्याह पड़ जाता है। लिपस्टिक के कीमियाई अज्जा के असरात से महफूज रहने के लिए लिपस्टिक इस्तेमाल करने से पहले होंठों पर क्रीम या पाउडर लगाना चाहिए। हाथों की खूबसूरती, हाथ खूबसूरत और नरम व मुलायम नज़र आएं। इसके लिए 2 चम्मच अरके गुलाब, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 अदद लीमू के रस का महलूल बनाकर इसे शीशी में महफूज कराया जाए। कामकाज ख़त्म करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोकर और खुश करके इस लोशन को हाथों पर मल लिया जाए। कुछ ही दिनों में हाथों का खुरदन ख़त्म हो जाएगा। दिन में 3-4 मरतबा ये अमल करना चाहिए। बाजुओं और हाथों का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए कि ये कामकाज में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हर मौसम में खुले रहते हैं। इन पर बाहर जाते हुए अक्सर बराह रास्त धूप पड़ती है जिसकी वजह से उनका रंग झुलस जाता है। बाजुओं को धूप से हत्तल इम्कान बचाना चाहिए। हफ्ते में 1 मरतबा बाजुओं पर उपटन भी लगाना चाहिए। पाँव तवज्जो चाहते हैं। पाँव भी हमारी खसूसी तवज्जो के तालिब हैं। नीम गर्म पानी में लीमू, बेबी आयल और शैम्पू डालकर इसमें कुछ देर पैरों को डबोए रखने से पैरों को आराम मिलता है। फिर इस पानी में कुछ देर पाँव डबोए रखने के बाद साजिश या जानवी से पाँव का अच्छी तरह से मसाज करें ताकि गंदगी
साफ हो जाए। ये अमल शायद मुश्किल लगे, लेकिन सारे दिन में से सिर्फ आधा घंटा इसलिए निकाल लिया करें और ऊपर बताई गई बातों में से चंद एक को भी अपनी रूटीन का मामूल बना लें, तो यकीन जानिए सेहत भी अच्छी होगी और इसका इजहार चेहरे पर भी बखूबी हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा।